अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भैयों, क्या हाल चाल है जनाब। आज ऊंडा सभी का सेल है। आज मैं इसको आपको फुल डिटेल दूंगा अंदर से बाहर से, जो कि आपको बहुत ही प्यारी लगेगी। तो सबसे पहले आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। रिमोट से ओपन होगी और रिमोट से इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ये देखें, अभी ये अनलॉक हो गई है, स्टॉक हो गई है। तो जनाब ये 2008 मॉडल है, फुल मॉडिफाइड है, अंदर स्क्रीन लगी है, स्पीकर हाई किस्म के लगे हैं जिस जो कि बहुत अच्छा साउंड देते हैं, और अलॉय रिम और सब कुछ स्टैंडर्ड है। मैं सब कुछ डिटेल से आपको दिखाता हूँ। आपने चाबी देख ली, और सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रंट दिखाता हूँ। तो जनाब देखें इसकी हेडलाइट्स जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं, और ये जो फ्रंट बम्पर है ये मॉडिफाइड बम्पर है इसका, और जो कि रिसेंटली इसको ऐड किया गया है, और नीचे जो ये भी लगाया गया है बम्पर के साथ। जो फ्रंट है इसका बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि इसका जो मॉडिफाइड बम्पर लगाया हुआ है इसकी बहुत अच्छी लुक दे रहा है ये। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है ना बहुत खूबसूरत लग रही है, वाइट शेड में, वाइट कलर में बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और आपको मैं उस तरफ दिखाता हूँ अभी। तो जनाब देखें ये जो शेड लगी हैं, चारों शेड लगी हैं जो इसको मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। और आप नीचे इसका अगर देखेंगे पैनल, तो ये इसको मज़ीद खूबसूरत बनाता है, गाड़ी का लुक और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी मज़ीद इसकी लुक को बढ़ाती है। अभी मैं आप तो जनाब अभी मैं आपको इसका टायर और रिम दिखाता हूँ। जो टायर रिम है ये भी रिसेंटली इसको ऐड किया गया है, जो अलॉय रिम है, और टायर भी इसके बिल्कुल न्यू हैं। तो जनाब देखें ऐसे ही पीछे वाला टायर। तो जनाब ये जो इसको स्पाइलर लगा हुआ है, ठीक है, ये इसकी लुक को और ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत बनाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसका। आप देख सकते हैं कि, और ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और इसकी वजह से गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बैक साइड से ये जो है होंडा सिविक होंडा लोगो, और ये भी जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसका, बहुत ही मज़ीद इसको बहुत ही खूबसूरत बनाता है। और ये सब जो है ना रिसेंटली इसका जो है ऐड किया गया है, सब पैनल और ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें। तो जनाब अभी आप ये साइड भी देख सकते हैं, जो गाड़ी की राइट साइड है बिल्कुल क्लियर है, कुछ इसका डेंटिंग पेंटिंग या कुछ ऐसा खराब नहीं है, बहुत मज़बूत है गाड़ी, आप राइट साइड से पूरी देख सकते हैं। और जो सन शेड है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेरे को लग रही है। अभी हम आपको गाड़ी का जो इंटीरियर है वो दिखाएंगे, गाड़ी का अंदर से फुल दिखाएंगे, और आपको इसको ड्राइव भी करके दिखाएंगे, और लास्ट में आपको इसकी प्राइस भी बताएंगे, जो कि गाड़ी फॉर सेल है। कोई भी लेना चाहता है तो आप अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं, रब्ता भी कर सकते हैं। तो आइए आपको फ्रंट से दिखाते हैं, उसके बाद ड्राइव करके दिखा। तो जनाब काफ़ी गर्मी है, अभी हम दिखाएंगे आपको फ्रंट, जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त। तो जनाब देख सकते हैं आप, फुल ऑटोमेटिक है ग्लास के लिए, ठीक है, और ग्लास को आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, और साइड मिरर जो है उसका आप एडजस्टमेंट करने के लिए, ऊपर अप एंड डाउन ये वो सब कुछ जो ना ऑटोमेटिक है इसका, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। और आप देखें अगर इनसाइड, ठीक है, तो ये जनाब 171,000 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है, और अंदर से बहुत बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल मेंटेन गाड़ी है ये। तो जनाब ये है इसका स्टीयरिंग, आप देख सकते हैं, आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप ऊपर चलाना चाहते हैं या नीचे, और मैं तो ज़्यादातर नीचे बैठ के चलाता हूँ, और पे इसको लॉक कर दिया। और स्टीयरिंग में जनाब क्रूज़ कंट्रोल स्टीयरिंग में है, और वॉल्यूम जो है ना रेडियो का या MP3 का जो भी है, वॉल्यूम और चैनल आप चेंज कर सकते हैं, और क्रूज़ कंट्रोल इस साइड में है, ठीक है, जो कि आप लॉन्ग ड्राइव में आप इसको फिक्स स्पीड में आप इसको चला सकते हैं, और इसकी जो लुक है ग्रिप है ज़बरदस्त है। तो जनाब आप इसकी स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है,
ब्लूटूथ है, वाईफाई है, और इसमें आप वाईफाई कनेक्ट करके आप यूट्यूब चला सकते हैं और सब एप्लीकेशन जो है आप इसको चला सकते हैं। तो जनाब देखें ये अभी फुल स्क्रीन है, ये ऐप्स है, आप इसमें आप पूरे जितने भी आप जो एप्लीकेशन है आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखें यूट्यूब है, वीडियो है, और आपको जो भी यानी कि एंड्रॉयड सिस्टम पूरा इसमें है, और ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग जैसे आप कोई आईपैड है या टच पैड है जैसे वो चलाते हैं, ऐसे ही आप इसको फुल वीडियो चला सकते हैं, ऑडियो चला सकते हैं, और यानी कि जो आप मोबाइल पर काम करना चाहते हैं वो गूगल मैप्स आप चला सकते हैं, और आप फेसबुक यूट्यूब कुछ भी चलाना चाहते हैं और आप इस पर चला सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आप कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो जनाब अभी आप देखें इसका फ्रंट आपका इधर ही है, ये आप जो स्पीड लिमिट है स्पीड का वो 0 से है, जितनी भी स्पीड चलती जाएगी डिजिट के लिहाज से 10 20 40 के या 120 के पर जाएंगे तो वो 120 शो करेगा, ये नहीं कि मीटर के हिसाब से, ये डिजिटल सिस्टम है। तो आप फ्रंट टच का देख सकते हैं बिल्कुल जो ज़बरदस्त है, तो जनाब देखें ये आगे इसकी हैंड ब्रेक, ठीक है, ये गियर न्यूट्रल, और जो ही आप न्यूट्रल लगाएंगे रिवर्स किया और आपका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा जो के, और जो ही आप पी में डालेंगे तो इसका कैमरा ख़त्म हो जाएगा। देखें अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये भी आप यहाँ पर यहाँ अंदर कुछ भी रख सकते हैं, और सीट देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी है सीटें जनाब इसकी, ठीक है, और जो कि फुली क्लीन बिल्कुल ए टू जेड क्लीन गाड़ी है बिल्कुल, यानी कि कुछ इसमें नहीं है। और आप देखें इसका दूसरा बात ये है कि आप इसके आपके अगर यूएसबी में कोई भी डेटा है, सॉन्ग्स हैं, मूवी है, आप यहाँ पर लगा के यूएसबी आप यहाँ पर इसको एलईडी में आप इसको प्ले कर सकते हैं, जो भी आपका डेटा है वो यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब ये देखें ये जीपीएस है जो कि आपकी गाड़ी किधर भी है आप अपने मोबाइल से इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि ये आपकी गाड़ी अभी किधर है, इसमें सिस्टम लगा है, जहां पर भी होगी आपकी गाड़ी आपके मोबाइल में शो हो जाएगी कि कौन सा एरिया में घूम रही है या किस एरिया में, यानी कि चोरी होने का ये कोई सिस्टम ही नहीं है इसके, क्योंकि इसमें जीपीएस लगा हुआ है, जहाँ भी होगी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जनाब अभी मैं दिखाता हूँ इसका बैक सीट, ठीक है, बैक सीट में भी सही स्पेस है, खुली है, ये थोड़ी सीट आ गया है। देखिए जनाब इसमें भी ये ग्लास अप एंड डाउन के लिए ऑटोमेटिक बैक साइड में भी है, ठीक है, और साफ है। अगर आप देखें सीट बैक सीट भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और इसका रूफ जो है रूफ है वो भी बिल्कुल साफ है जनाब, देखिए कुछ डाउट नहीं है, ज़बरदस्त यानी कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। और अभी हम आपको गाड़ी चला के दिखाएंगे, ठीक है, बाहर रोन लगाएंगे, अब भी उसको दिखाएंगे कि कैसी भागती है। तो जनाब अभी हम इसको करेंगे ड्राइव, तो फर्स्ट दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें अभी इसका रिवर्स जो है ना कैसा काम कर रहा है, फुल कैमरा, बड़ी स्क्रीन है, कुछ ज़रूरत नहीं आपको विंडो यानी कि शोल्डर मारने की, शोल्डर लेफ्ट राइट करने की, यानी कि बहुत ही अच्छा कैमरे का रिजल्ट ही बहुत अच्छा है। और अभी हम करने लगे हैं ड्राइव जनाब इसको, ये डीमे लिया और ये देखें सब एप्लीकेशन आ गया, लोकल म्यूज़िक ये वो, तो जनाब में पिक इसकी बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप कुछ सेकंड में इसकी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं उसको स्पीड जो है ना डिजिट्स में आती है, जो कि अच्छी अच्छा लगता है इसका कैसे बढ़ती है। देखें बहुत ही स्मूथ गाड़ी है जनाब, बिल्कुल हल्की, कुछ बबलिंग, कुछ टायर की ऐसी साउंड, कुछ साउंड नहीं है इसमें, वो बहुत ही स्मूथ चलती है।
लेकिन जंप में भी कितनी स्मूथ सी जो है ना वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही मज़ा आता है। होंडा स्विफ्ट चलाने का अपना ही मज़ा है। तो जनाब आपने देखा होगा कितनी स्मूथ चल रही है गाड़ी। तो जनाब जो इसकी प्राइस है गाड़ी की वो है 15,000 दिरहम। 15 के जो इसका ओनर है वो मांग रहा है इसके साथ, जो इसका ओनर है वो 15,000 दिरहम मांग रहा है, और हो सकता है कुछ डिस्काउंट हो जाए। और अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई, अगर आपको ये गाड़ी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको अगर चाहिए तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, और आप उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, टाटा एंड बाय बाय।